नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत मांझी नगर पंचायत के तत्वावधान में एक रैली निकाली गई। रैली स्थानीय दलन सिंह उत्क्रमित उच्च विद्यालय के परिसर में पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं सहित विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रक्षा लोहिया एवं सफाई पदाधिकारी कुमारी सुमन ने संयुक्त रूप से कहा है कि भारत सरकार के आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। पदाधिकारी द्वय ने कहा कि विशेष स्वच्छता अभियान के तहत खुले में कचरा डंपिंग रोकने, नाले में रुके हुए पानी को खत्म करने, बाजार व खाद वेंडिंग जोन से बीमारी भगाने को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने घर के दरवाजे से लेकर सार्वजनिक स्थान की नियमित सफाई कर स्वच्छ रखना है तथा कहीं भी कचरा नहीं फैलना है। साथ ही कचरे को डस्टबिन में डालना है, गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग खाने में रखना है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में बहुत जल्दी डस्टबिन उपलब्ध करा दी जाएंगी। बच्चों से खुद अपने आसपास सफाई रखने की बात कही गई। साथ ही पॉलीथीन के उपयोग पर भी रोक लगाने को कहा गया। इस अभियान में नगर पंचायत के पदाधिकारियों के अलावा सहित सफाई कर्मी आदि मौजूद रहे। माझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हाँ, आप यहाँ किस प्रोग्राम के लिए, किस उद्देश्य से आई हैं मैम? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसे हम जगह जगह हर नगर पंचायत में उसे चला रहे हैं, जिससे कि हर बच्चों को, आज हमने बच्चों के साथ किया, स्कूल में किया, जिससे कि हर बच्चों को हर जगह ये मुहिम फैल जाए कि सफाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्वच्छता को हम सब लोगों को अपनाना है, जिससे कि अगर स्वच्छ देश रहेगा, स्वच्छ भारत रहेगा तो स्वच्छ शरीर रहेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रक्षा लोहिया। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स। हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स। रिश्ता मजबूती का।